पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के द्वारा अवैध रेत परिवहन जैसे मामलों पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए खोड़ चौकी प्रभारी ने एक ट्रैक्टर को अवैध रेत का परिवहन करते हुए जब्त कर कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार खोड़ आसपुर रोड पर रात करीब 10 बजे वाहन चेकिंग के दौरान एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। इस पर रेत संबंधित रॉयल्टी की जानकारी ली गई। रॉयल्टी न होने पर अवैध रेत परिवहन जैसी धाराओं में खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजीव दुबे के द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर कार्यवाही की। जिले में श्रीमान पुलिस शिक्षा महोदय अतिरिक्त पुलिस शिक्षा महोदय एसडीपी पावर महोदय पिछोड़ द्वारा रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में कल रात्रि में खोड़ आसपुर रोड पर वाहन चेकिंग की जा रही थी तो एक ट्रैक्टर जिसमें रेत भरी हुई थी आता मिला, जिसे रोक कर चेक किया गया तो उसका मालिक और ड्राइवर दोनों एक ही थे, जयेंद्र जाटव निवासी आसपुर। वो ट्रैक्टर में रेत भरी हुई लाया था जिससे रॉयल्टी के संबंध में पूछा गया तो उसके द्वारा रॉयल्टी नहीं होना बताया, अतः रेत चोरी से परवन करते पाए जाने से उसके विरुद्ध नियमानुसार ट्रैक्टर जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।